भाई तू 5 साल तक जेल में रहा, कुछ नहीं बोला, यार अब तो बता दे कौन है तू। मैथ्यू नाम है मेरा, इन्वेस्टर हूँ। ओहो, तो तू बड़ा आदमी है, पैसे लगाता है, तो क्या फिर से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करेगा क्या? इन्वेस्टमेंट करूंगा नहीं, इन्वेस्टमेंट जो किया है उसे वापस लूंगा। शान, मैं जानता हूं कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे पैसों से जो रोबोट तुमने बनाया है वो कोई और नहीं रजनी ही है। 5 साल, 5 साल मैंने जेल में बिताए हैं तुम्हारी वजह से, अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए जेल भेजूंगा, रजनी को सबके सामने एक्सपोज करूंगा, तुम्हारी फैमिली को बर्बाद करूंगा और मैं रजनी को अपने साथ लेके जाऊंगा। रजनी के नसीब में मैथ्यू ही है। आई एम कमिंग शान, आई एम कमिंग फॉर रजनी। देव, तू इतना बड़ा आदमी बन गया है पर खाने की पुरानी आदत वैसी की वैसी। भैया नहीं, वो खाने पे कंट्रोल कर लिया मैंने, पर क्या है ना, जब भी इस घर में घुसता हूँ ना तो मेरा भुक्कड़पना ऑटोमेटिकली जाग जाता है। कोई नहीं कोई नहीं, खा बटर खा, आराम नाल खा। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। ये दुआएं हमारी तो सदाई तेरे साथ हैं, पर ये दुआओं के भरोसे तू कहाँ जा रही है? जा कहाँ रही हूँ तो पता नहीं, बट यहाँ नहीं रह सकती जब तक यहाँ गजनी की आत्मा है। गजनी? ओहो, आपने रजनी भाभी को ही देखा होगा। हाँ देखो। प्लीज, रजनी शगुता के साथ थी और भूत सामने। पता, ये गाल कुछ हजम नहीं हो रही। शोगो, आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं है बेबी, दरअसल बात ये है कि घर में दो दो रजनी है। क्या? चुप करो यार, तुम माँ बेटी दोनों की ना सच में बोल रहा हूँ, मती मारी गई हुई, एक बोल रहे भूत दूसरी बोल रही है, डुप्लीकेट। अगर आपको शौकता की बात पे यकीन नहीं आ रहा है ना तो देव से पूछ लीजिए। देव, तुम ही बताओ कल रात को जब हम ऊपर थे साथ में तो क्या हुआ था? शौकता, हमारी शादी हुई थी तब कुछ नहीं हुआ तो आप क्या होगा? देव, Stop this nonsense! कब तुमने शौकता को बताया था रजनी की बहन के बारे में, गजनी के बारे में? गजनी? मैं तुमसे मिला ही नहीं तो मैं तुमको कैसे बताऊंगा? झूठ, ये झूठ बोल रहा है। शोगो, आत्मा वात्मा कुछ भी नहीं है, घर में दो दो रजनी है। नो मॉम, भूत है, शौकता ने खुद देखा है अपनी आंखों से। ओए ओए, चलो चलो बदर, चलो आ जाओ सारे, चलो चलो। मॉम, शोगो, उफ शोगो बेबी, बुद्धों की तरह बिहेव मत करो, ये देव और शान मिलके तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, लेकिन भूलना मत तुम सुरीली कांत की बेटी हो। बटर लगा के तो जाती, आई मीन सुरीली कान की तरह सोचना शुरू करो, ओके? शौकता इज नॉट बुद्धू और उल्लू, शौकता इज स्मार्ट। हेलो, यस, Where are you?
साल जेल में मैंने सिर्फ पत्थर की चक्की नहीं पीसी शान, दिमाग की भी चक्की पीसी है। एक बात के लिए तुम्हें थैंक्स बोलना पड़ेगा शान, कि जेल में रोबोटिक्स सीखने के लिए मेरे पास टाइम ही टाइम था। याद है रोबोटिक्स के बारे में तुम हमेशा बोलते थे ना कि I'm a genius। अब रोबोटिक्स में मैथ्यू शान का भी बाप निकला। अब मुझे भी रोबोट बनाना आता है, लेकिन तुमने तो सिर्फ एक मशीन बनाया था, मैंने आधा इंसान आधा रोबोट कैसे बनाते हैं ये सीखा है, और अब उस नॉलेज को एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। अब एक इंसान बनेगा रोबोट, हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट, और वो दुनिया का सबसे पहला इंसानी रोबोट होगा मैं खुद। बस आप देखना शांत कि एक ह्यूमन में सुपर ह्यूमन पावर्स कैसे आते हैं। शान, अब तुझे और रजनी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, ये हमारी जंग है, हम अकेले लड़ेंगे। आओ देखते हैं शान और रजनी क्या कर रहे हैं। कर बैठी आपके साथ मॉम के सामने, हम पति पत्नी हैं, ऐसी एक्टिंग करो मॉम। गुड मॉर्निंग शान, तुम दोनों पति पत्नी हो राइट, तो फिर ये ऐसे रिया क्यों करी है जैसे किसी पराए मर्द के साथ बैठी हो। मॉम वो शर्मा रही है ना बेचारी, और वैसे भी कोई भी बहू अपने सास के सामने ऐसे बड़ों का लिहाज होता है ना मॉम, इसीलिए से पानी पानी हो गई। सो कुछ भी होना लेकिन पानी पानी मत होना, वरना तुम्हारे सॉकेट्स खराब हो जाएंगे। ओके मॉम, क्या क्या कह रही है आप? ओके शट अप। हमें पता है कि ये लड़की रोबो है, अब बस ये पता लगाना है कि दूसरी कहाँ है।
ओह गॉड प्लीज असली रजनी को सामने मत लाना। ये अलार्म की आवाज कहां से आ रही है? जान ये अलार्म ही बज रहा है राइट? क्यों? हाँ 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 क्योंकि अलार्म ही है मॉम, अलार्म ही है। मैंने सेट किया था, सुबह उठना था ना, जल्दी काम पे जाना था मॉम, तो इसलिए कहाँ रख दिया पर मैंने? यही तो रखा था। कहाँ गया? नहीं आवाज वो साइड से कहीं से आया। पता चला ये अलार्म इस वजह से बज रहा है राइट? आई एम श्योर तुमने इस पे वो अलार्म का फीचर लगाया है, इसलिए आवाज इस वजह से आ रही थी। Am I right? बता, ये लड़की रोबो है ना? मैं रोबोट ना हूं जी। ओ शट अप, तुम बीच में बात मत करो। अरे मॉम 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 क्या कह रही है मॉम? मैं आप दोनों से इतना प्यार करता हूँ, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मॉम ये क्या होता है कि सास बहू के ड्रामा में ना मैं बेचारा पिस जाता हूँ हमेशा। बावड़े ने दम ही घोट दिया। शान, सफोकेट कर दिया तुमने हमें। एनीवे, तुम चाहते हो ना कि तुम्हारी लाइफ एकदम आसान हो जाए, हमारे सर पे हाथ रख के कसम खा और बोलो कि ये लड़की रोबो नहीं है। खा लो जी, कसम खा लो। शट अप, शट अप। वाह, इतनी सी बात मॉम, मैं गीता पे गीता मॉम अपने माँ के सर पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि ये लड़की रोबो नहीं है। ये सच कह रहे हैं जी, मैं रोबोट ना हूं जी। इट्स नॉट रोबोट, इट्स एनीवे। शान, तुम हमारी झूठी कसम खाते थकते कैसे नहीं हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ माँ, ये सच में रोबो नहीं है। तो कहो, अगर ये बात सच है तो भी ये लड़की हमें पसंद नहीं है। आज इस लड़की की वजह से हमारा बेटा हमसे झूठ बोलने लगा है। I hate this girl. मॉम, एक लड़की की वजह से हमें झूठ बोलने लगा है। तुम क्यों रो रही हो? देखो आपके मम्मी जी मन लड़ता है तेरे चीज से। रजनी, मिल गई दूसरी रजनी, अब बच के कहा जाओगी? हमसे भागने की कोशिश मत करो रजनी, तुमने हमें फिट बनाया है, अब हमारा फिटनेस हम तुम्हें पकड़ने में यूज करेंगे। स्टॉप, आई से स्टॉप रजनी, हम तुम्हें बोल रहे हैं स्टॉप रजनी। मर गया तो शायद। पकड़ लिया। ओ ये रोबो रजनी है, हम तुम्हें पकड़ के ही रहेंगे। ऐसे स्टॉप रजनी, स्टॉप, हम तुम्हें पकड़ ही लेंगे। कल्ले कल्ले पकड़ा पकड़ी खेल रही है बता। अब मम्मी जी, ओए ओए रुक जा फ्लाइंग रानी। स्टॉप, लो कल्ले कल्ले पकड़ा पकड़ी खेल रही है बताओ। स्टॉप, रुक रजनी। हमने तो उसको भागते हुए नहीं देखा। रजनी हेलो, अरे यार हेलो बोलो, छोड़ो चुपचाप लैब में चलो, चलो जल्दी उस पिलर के पीछे छोड़ो। माँ आपको पता है ना, अगर आप इस बार गलत साबित हुई तो लोग सच में आपको मेंटल कहेंगे। I'm ready to take that risk. Let's go. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, आज मन की शांति, आ जाओ। पकड़ लिया। ओह शिट, ओ भाई रुको, कहाँ चली गई?
बोलूं तेरे को अब मेंटल बोलूं। मैंने कहा था इधर कोई भी नहीं है माता। क्या हुआ आंटी जी? वो कहना दे बेटा, हम रजनी का पीछा कर रहे थे। हाँ? उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी और अचानक कहाँ चली गई? हम रजनी कहाँ गई? रजनी कहाँ गई? रजनी यहाँ क्यों आएगी आंटी? वो तो शान के कमरे में है। ए बांगड़ू, हमें पता है तुमने हमारा गेम। अपनी नाकाबिलियत का झंडा इसके सर पे क्यों बांध रही है? चल चल चल, मैं तेरे को जग भर के ग्रीन टी पिलाता हूँ। चलिए चलिए चलिए, संभाल के थैंक गॉड। आंटी अगर हार नहीं मानती तो मेरी फोटो पे हार चढ़ जाता। हनुमान जी थैंक यू, बचा लिया। पाला ये शान का इसकी चसी। बस मैंने माफ कर, अब मैं ना रह सकूं। आपकी माता जी जब देखो तभी मैंने रोबोट 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 कह के बुलाती है, कितना खरा कोटा सुनाती है। अब मैं ना सह सकूं। बहुत सुन लिया, बहुत देख लिया, मैं जा रही। नहीं, सुनो रज्जो, प्लीज सॉरी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मत जाओ यहाँ से। हाथ तो जोड़ो जी, मैं जानती हूँ मैं आपकी घराली जैसी दिखती हूँ, इसलिए आप मुझे जाने नहीं दे रहे, लेकिन अब मैं ना रुक सकूं। हाँ पहले वो वजह थी, पर आज मैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। देखो तुम यहाँ से बाहर चली गई तो तुम्हारे भाई तुम्हें उसी दुनिया में ले जाएंगे और उस बुड्ढे से तुम्हारी शादी कर देंगे। देखो रज्जो, तुम्हारी खुशी इसी में और तुम यहाँ खुश रहोगी। प्लीज यहाँ रह जाओ, ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट। आप ये सब कुछ मारी खुशी के लिए कह रहे हो? हाँ देखो, मैं नहीं कह रहा हूं कि तुम यहां मेरी बीवी बन के रहो, तुम यहां रज्जो बन के ही रहो। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। देखो ये दुनिया तुम्हारे लिए बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा सेफ है। देखो माँ ओवर रिएक्ट करती है हमेशा, पर मैं उन्हें कंट्रोल कर लूंगा। ऑलराइट, यू डोंट वरी अबाउट दैट। और एक चीज, अब रोना मत, ओके प्लीज। क्यों? क्योंकि रजनी नहीं रोती इसलिए? नहीं, वो तुम्हारे चेहरे पे ये आंसू सूट नहीं करते इसलिए। एक मिनट, ये लो तुम्हारे लिए, चेंज कर लो। सॉरी।